फायदा सुंदर था। सो ये है देखो, ये माइकल जैक्सन ने जीता था ग्रैमी एंड फाइनली प्रजापति। सो प्रजापति, व्हाट डू थिंक अबाउट द करंट प्लेस? भाई कुछ मत बस, ये देखो अगर एक बार कोई आ गया ना भाई इधर, मतलब गांव से अगर अगर कोई गांव से आकर ना भाई, बस भूलेगा नहीं, कहेगा भाई एक बार आया, बार बार आना है। ये देखो यहाँ कुत्ते भी राज करते हैं। गाइस हम पालिका बाजार आ चुके हैं। सो एक बार लाइन से तुम्हें सब चीज़ दिखा देता हूँ प्रजापति भाई। तो दिखा दें? हाँ दिखा दें। तो ये रहा देखो, सबसे पहले तो ऑटो ने हमारा रास्ता काट दिया। ये देखिए इसी बताऊँ, महंगाई भली बढ़ गई हो मगर भारत में दिल्ली के अंदर सबसे सस्ता सबसे टिकाऊ कपड़ा मिलता है ना प्रजापति। तो प्रजापति आप बर्गर लेते हुए, भाई नाम क्या आपका? राजेश। राजेश जी से बर्गर लेते हुए, बर्गर भाई तुम्हारा नाम क्या है? संदीप कुमार। लॉकडाउन के बाद से संदीप जी कैसा काम चल रहा है? लॉकडाउन के बाद से काम चल रहा है? नहीं चल रहा है। कस्टमर आ रहे हैं भाई? गरम है। कस्टमर देखो एक तो ये आ गया प्रजापति भाई, पूरी प्लास्टिक में पैक। इसे गरम तो कर दे भाई। गरम है भाई, गरम है ये। कैंसर तो नहीं हो जाएगा प्लास्टिक खाने से? ऐसा बोल रहे हो। और ये प्रजापति खाते हुए बर्गर तो इतना चलने के बाद लग गई थी भूख भाई देखो। तो हमने क्या किया, 30-30 रुपए का बर्गर लिया है। अब तो प्राइस क्यों बता रहा है? मैं बता रहा हूँ 30-30 रुपए में, और बर्गर में कुछ है नहीं, पाव है बस। अगर इसका पोस्टमार्टम भाई 200 रुपए का एक बर्गर है, पोस्टमार्टम किया जाए तो एक छोटी सी टिक्की निकली है और इसमें से थोड़े से सॉस निकले हैं, कुछ है नहीं। 30 रुपए मतलब पैसे बर्बाद। तो टेस्ट तो कर, चीयर्स कर ले भाई पहले। चीयर्स भाई, चीयर्स। चीयर्स हां, टेस्ट करते हैं भाई, भूख लगी कुछ भी चलेगा। आओ बुझ गया। हमने खा भी लिया है और पी भी लिया है। खाने और पीने के बाद अब थोड़ा टहल रहे हैं हम, और सच में रोड पे भाई, रोड पे ढेले काम का खाने का एरिया नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस यहाँ पे जो है ना, बस मार्बल ही है देखने लायक और खाने लायक। मतलब भाई अगर देखो यहाँ पे आते हो, बजट अच्छा है देखो, यहाँ पे आते हो अगर खाने के उसके लिए, तो भाई जेब में पैसे होने चाहिए, और हम इतने बड़े नहीं कि हमारे जेब में इतने पैसे होंगे हम सलाह यहाँ पे खाने जाएं। भाई ठेले से खा लेंगे मस्त। जो चीज़ ठेले पे 20 रुपए का मिल जाएगा, यहाँ पे उसके लिए हमें 100 रुपए देना पड़ेगा खाने के लिए।
उतने पैसे नहीं है हमारे पास देने के लिए। ये देखो यहाँ पर रॉकस्टार मूवी की शूटिंग हुई थी। ओह गॉड। तो हम चल रहे हैं अब इंडिया की तरफ, अंदर आ इंडिया के अंदर घुस रहे हैं। आ जा इंडिया में आ जा। देखो मेरी गर्लफ्रेंड आर्टिस्ट भाई साहब, ये हैं हमारे आर्टिस्ट स्ट्रीट डांसर जो हमारे अंडरग्राउंड को सबसे ऊपर लेके गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। कैसे आप? बढ़िया है। आपने भारत जैम में अप्लाई नहीं करा? आई थिंक सो जाएंगे, लेट्स सी। देखते अभी जो दिल्ली में भारत जैम हुआ है मनीष ने करवाया, मनीष को अपने देखते हैं उधर जाएंगे जैसे ही आएगा उसमें जाऊँगा जब स्टार्ट होगा। गाइस रियली में हमारे अंडरग्राउंड को जो रियलिटी शो में लेके आए हैं वो ये रहे, और इनका सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि हम जैसे स्ट्रीट डांसरों को आई थिंक कोई पहचानता भी नहीं है। देखा जाए तो शायद जैसे ये ऑडियंस है एंड ये भाई है, तो प्लीज़ भाई इनको इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। भाई को कोई शोकेस हो जाए। कैमरे से रिकॉर्ड करेंगे वाले बदल गया सारा बे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा मैं थोत दा मन भरिया। मन भरया बदल गया सारा पे तू मैनू छद जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा गल गल ते शक कर दे बारिश जरा भी नहीं तेरी अखियां च मेरे लिए प्यार जरा भी नहीं मेरा ते कोई है नी तेरे बिन तेनू मिल जाना किस दा सहारा वे तू मैनू छड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा मानेंगे वो दहलीज नहीं होती अब नाम की यारा यहाँ कोई चीज नहीं होती और अब ओनू खोलेंदे जेड़ा होवे ओनू जान तो प्यारा वे तू मैनू छड जाना गल्ला तेरिया तो लगदा यारा तू सब जानदा है मैं छड नहीं सकती तेनू ताही ता उंगला पे रोज नचा मैं मैनू तेनू तेरी याद ने उंगला ते रोज नचाना मैनू अगले जन्म विच अल्लाह ऐसा खेल रचा के भेजे मैं तू बना के भेजे तेनू मैं बना के भेजे एक हुंदी है वे जिंदगी तू मिलना नी मैनू वे दोबारा
ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰਾ ਵੇ ਮੈਥੋਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਰਿਆ गया था इंडियन आइडल में, इसको उसमें दिक्कत आई थी, मतलब इनमें उनके पास कोरियोग्राफर नहीं थे। तो फाइनली भैया, दरअसल ये है कि अब हो गया है टाइम, अभी घर नहीं जाएंगे हम, लेकिन अभी भी घर नहीं जाएंगे हम। क्या है कि अभी अभी तो हमने स्टार्ट किया है, लेकिन क्या करें, गोप्रो की बैटरी हो गई है डाउन। अब हमें पता भी नहीं कि हमारी बाइक लगी कहाँ पड़ा है, लगी कहाँ है। हाँ, बाइक तो मिल गई यार, बाइक तो यहीं पर है, यहाँ पर पड़ी हुई है भैया के पास बाइक अपनी, यहाँ पर। ओ भाई प्रजापति, हमें अपनी बाइक मिल गई है। सो फाइनली हमें एक अंडरग्राउंड आर्टिस्ट मिले, एंड हमने उनका डांस देखा, तो आपको ना ये वीडियो ज़रूर मिलेगी, आप जरूर देखिएगा, मोस्टली ब्लॉग जरूर देखिएगा हमारी।
नहीं घर तो नहीं जा रहे। प्रजापति कहाँ घुमा रहा है? अरे अरे स्ट्रिंग एक पता, राज की बात बताऊँ, हमें ना रास्ता नहीं पता है। हम ना घर से ऐसे ही निकल गए और हमें बिल्कुल रास्ता ही नहीं पता दोस्तों। और देखो प्रजापति तुझे रास्ता पता है? नहीं भाई कुछ नहीं पता रास्ता किधर है। गूगल आंटी भी भूल गई कहाँ पर आ गए हम। बस जब चले जा रहे हैं रास्ता वास्ता तो कुछ पता नहीं है हमें। ये देखो डांसिंग कार जा रही है सामने। कहाँ मिलेगा भाई? पहले तो यार यहाँ आगे निकल यहाँ से। भाई दारू वारू की दुकान कहाँ ठेका कहाँ ठेका? दारू वारू तो हमें नहीं चाहिए यार, हम शुद्ध वेजिटेरियन। अरे लड़ा वेजिटेरियन। डांसिंग कार हमारे सामने आ रखी है इतनी देर से। यहाँ मिलेगा शायद। हाँ यहाँ वाला है दोस्तों। यार मज़ा तो आया घूमने में, मगर यार खाने पीने के मामले में ना रद्दी है कूड़ा। आप पैसा है तो सर। भाई जोमेटो से हो? कितने ऑर्डर बढ़ जाते हैं इसमें? कोई वो नहीं। क्योंकि भाई मैं भी जोमेटो ज्वाइन करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ। बात बेरोजगार ही नहीं यार, काम सही है, अपने लिए समय मिल जाता है, सबसे अच्छी बात ये भाई है। वो नहीं है। तो दोस्तों देखो प्रजापति यहाँ पे बाइक खड़ा करके और दिल्ली की स्ट्रीट पे गर्दन झोंका के खा रहा है और ये वाली दारू पी रहा है। देखो जो 20 रुपए की आती है, अंदर से देखा हो तो ऐसे जो पानी के बराबर है। अब टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और अभी हम मज़े कर रहे हैं पैटीज के साथ। देखो सरकार विज्ञापन पे क्या छापती है कि दारू पीना हानिकारक है एंड हर जगह मूवी में हर जगह देखो तो, मगर यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट की शॉप भी है। देखो बियर हम पी नहीं रहे हैं, मतलब एक तरह से बता रहे हैं आपको। टाइम हो रहा है अभी, हो रहा है 10:30 बज रहे हैं और अभी हम मज़े कर रहे हैं पैटीज के साथ। देखो सरकार विज्ञापन पे क्या छापती है कि दारू पीना हानिकारक है एंड हर जगह मूवी में हर जगह देखो तो, मगर यहाँ पे देखो तो गवर्नमेंट की शॉप भी है। देखो बियर हम पी नहीं रहे हैं, मतलब एक तरह से बता रहे हैं आपको। ज़्यादातर लोग रेड लाइट क्रॉस कर देते हैं।
तो फ्रेंड्स हम घर पर आ चुके हैं एंड हमें कम से कम ज़्यादा टाइम लगा, आई थिंक 2 से 3 आवर हमने से घूमे हैं। प्रजापति को देखो, प्रजापति क्या सर्च कर रहा है भाई? मैप लगा रहा हूँ घर पे जाने के लिए। और हमारी गाड़ी हो चुकी है अब 0, सो मेरा घर यहाँ पर है और ये भी सुनसान हो चुका है। 17 किलोमीटर जाना है भाई अभी मुझे रात में। देखो गूगल आंटी बोल रही है कुछ। हाँ मैं अब मुझे एक बार रास्ता बता दो मुझे कैसे जाना है। तो सो बाय। तो फाइनली बाबा को, मुकुल बाबा को हम छोड़ चुके हैं इनके घर पे और अब हम चलेंगे अपने घर पे। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया घूम के, काफ़ी मज़ा आया हमें घूमने में। तो फाइनली बाबा को छोड़ के अब हम चल रहे हैं अपने घर के लिए। तो फाइनली इतना घूमने के बाद मजा आ गई। अब करल जाए गाड़ी खड़ा। गाड़ी लग गई ठिकाने पे। गाड़ी तो यहीं पे रह ले यार। डेली मकान मालिक से सरवा कहते हैं कि बनवा दे भाई, बनवा दे बनवा दे। सरवा सुनते ना, पैसा चाहिए टाइम पे। रोड बनवाओ के भैया, मतलब गाड़ी खड़ा करे के बनवाओ के भैया ना करे के। अरे अंकल भाई